जश्न आजादी का मुबारक हो देशवासियों को। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि क्या हम आजाद हैं। पूरा देश जब आजादी का जश्न मना रहा हो और मैं ये सवाल पूछूं कि क्या हम आजाद हैं, तो कुछ अजीब लगेगा। देश स्वतंत्र है, परंतु क्या हम भी स्वतंत्र हैं? तन आजाद है, परंतु क्या मन भी आजाद है? कहीं हम गुलाम तो नहीं अपनी आदतों के, कहीं हम गुलाम तो नहीं अपनी इंद्रियों के, अपनी जिह्वा के? यदि हैं तो सवाल वाजिब है कि क्या हम आजाद हैं। अक्सर कभी हम बहुत परेशान हों, दुखी हों, उदास हों और कोई हमसे इसका कारण पूछे, तो हम सहज ही किसी व्यक्ति को या परिस्थिति को उसका आधार बना देते हैं कि उसके कारण मैं परेशान हूं। कभी हम बहुत खुश हों और कोई हमसे खुशी का कारण पूछे, तब भी हम किसी वस्तु को या किसी प्राप्ति को उसका आधार बनाकर उसके साथ कनेक्ट कर देते हैं कि मैं उस प्राप्ति की वजह से, उस व्यक्ति के व्यवहार की वजह से, उस वस्तु से बहुत खुश हूं। तो कुल मिलाकर परिस्थितियां निर्धारित कर रही हैं मेरी अपनी स्थिति को। यदि ऐसा है तो सवाल वाजिब है कि क्या हम आजाद हैं। तो हमारे अंदर क्या चल रहा है ये निर्भर करता है कि हमारे बाहर क्या चल रहा है, क्योंकि हमने हमारी आजादी का, हमारी खुशियों का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे दिया। संस्कार दूसरों के हों और स्वभाव मेरा डिस्टर्ब हो जाए, परसेप्शन दूसरों की हो और पर्सनैलिटी मेरी डिस्टर्ब हो जाए, शब्द दूसरों के हों और संसार मेरा डिस्टर्ब हो जाए, व्यवहार दूसरों का हो और विचार मेरे डिस्टर्ब हो जाए। यदि ऐसा है तो सवाल वाजिब है कि क्या हम आजाद हैं। आज के इस वातावरण में हमें अपनी इमोशनल इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि वायरस का अटैक वैसे भी ज्यादा हो रहा है। ये फीलिंग का फ्लू मेरे अंदर घर ना कर जाए, इसके लिए इमोशनल इम्यूनिटी को बढ़ाना जरूरी है। फर्ज करें कि आप लेमन वाटर बना रहे हैं और गलती से लेमन उसमें कुछ डबल क्वांटिटी का डल गया। अब आप परेशान हैं कि उसमें से लेमन वापस कैसे निकालें। कितना भी कोशिश कर लीजिए, शायद ये संभव ना होगा कि उसमें से हम लेमन वापस निकाल पाएं। इसी प्रकार जिंदगी में बहुत कुछ ऐसी गलतियां होती हैं, कुछ रॉन्ग डिसीजंस हो जाते हैं, कुछ रॉन्ग एक्शंस हो जाते हैं, कुछ रॉन्ग एसोसिएशंस हो जाते हैं, कुछ रॉन्ग इन्वेस्टमेंट हो जाती हैं, कुछ रॉन्ग हैबिट्स हो जाती हैं जिनको अंडू करना संभव नहीं होता। तो जिस प्रकार लेमन वाटर में से लेमन निकालना तो संभव नहीं होगा, परंतु उसको ठीक करने के लिए एक्स्ट्रा वाटर मिलाकर उसको नेचुरल जरूर बनाया जा सकता है। तो जिस प्रकार एक्स्ट्रा वाटर डालकर हमने एक्स्ट्रा लेमन के इफेक्ट को डाइल्यूट कर दिया, उसी प्रकार लाइफ की रॉन्ग डूइंग्स को पॉजिटिव हैबिट से, पॉजिटिव एनर्जी से, पॉजिटिव लोगों के संग से डाइल्यूट कर लें और मन की प्रतंत्रता को समाप्त करें। शरीर की इम्यूनिटी के लिए जैसे हम डाइट और एक्सरसाइज का पूरा ख्याल रखते हैं, इसी प्रकार मन की इम्यूनिटी के लिए भी डाइट और एक्सरसाइज का पूरा ख्याल रखें। मन की डाइट यानी स्पिरिचुअल नॉलेज और मन की एक्सरसाइज यानी मेडिटेशन करके स्वयं को मेंटली स्ट्रांग बनाएं, इमोशनली स्टेबल बनाएं। खुशी के लिए यदि हम काम करेंगे तो खुशी नहीं मिलेगी, खुश होकर काम करेंगे खुशी भी मिलेगी, सक्सेस और सेटिस्फेक्शन भी मिलेगी। तो आइए स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर स्वयं का आध्यात्मिक सशक्तिकरण कर स्वयं को अपनी आदतों की गुलामी से, अपनी इंद्रियों की गुलामी से स्वतंत्र करें। सब राज्य यानी सेल्फ रूल से स्वतंत्रता यानी सेल्फ कंट्रोल पाएं। मन को सोचना सिखाएं, मन वही सोचे जो मुझे सुख दे, मुख वही बोले जो दूसरों को सम्मान दे, और हाथ वही कार्य करें जो सृष्टि को स्वर्ग बनाए। थैंक यू। ओम शांति।